हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो एंड जो हम लोग बुक सेट में से कर रहे हैं आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश में से। ओके, तो क्या करना है देखो, फोनिक्स वर्कबुक ऐसा लिखा हुआ है वो वाली बुक निकालनी है एंड यहाँ पे बी लिखा है वो ढूंढना है। ओके, क्या लिखा है? फोनिक्स वर्कबुक, मतलब कि इंग्लिश वाली बुक में से आज हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था पेज नंबर 13 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। देन आफ्टर आप लोग इस तरह से टर्न करोगे तो ऐसा वाला पेज निकलेगा और आज हम वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे जो अभी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो सिक्वेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि हम फोनिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसलिए अभी सिक्वेंस में अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे। फोनिक्स के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे वो सारे के सारे आएंगे। तो अभी यहाँ पे आप पेज नंबर 14 निकालोगे तो क्या लिखा है? सर्कल द ऑब्जेक्ट वॉज द नेम बिगेंस विथ टी साउंड, जिसका साउंड टी, टी फॉर टब भी होता है, टेबल भी होता है, तो जो टी से स्टार्ट होता है, जिसका साउंड टी से होता है, तो वो लेटर आज हम लोग सीखने वाले हैं। टी फॉर टाइगर भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रेस, यहाँ पे जो ये लेटर है वो ट्रेस कर देना है। यहाँ पे आप टी दिख रहे हो ना, वो ट्रेस कर देना है। कैसे करना है? स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट ये स्मॉल भी आप लोगों को ट्रेस करना है। पहले यहाँ से स्टैंडिंग लाइन छोटा सा टर्न ले लेना है एंड वंस अगेन स्लीपिंग लाइन। देन नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेस करना है, यहाँ से जो है वो टी लेटर स्टार्ट होता है, तो यहाँ से करना है ट्रेस एंड राइट द लेटर टी एंड टी। देखो स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर के टी है वो यहाँ पे लिख के कंप्लीट करने हैं। तो पहला टी है वो सारे के सारे ट्रेस वाला है, ऊपर ले लीजिए थोड़ा, इतना बस। ये जो टी है वो ट्रेस करना है, कैसे? स्लीपिंग स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कैपिटल लेटर के अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे पहले तीन लाइन में ही आते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे पहली तीन लाइन में ही करने वाले हैं। तो ये जो ट्रेसिंग वाले टी है डॉट डॉट वाले, वो आपको यहाँ से लेके लास्ट तक के जितने भी डॉट्स हैं वो सारे के सारे फिल कर देने हैं, तो आपको टी जो है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे जो लाइंस दी गई है, अगर आपको लाइंस के बारे में नहीं पता है अभी तक, तो हम लोग क्या करेंगे, रोज की तरह पहली जो लाइन है वो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। टोटल हमारे पास कितनी लाइंस है? 4। उनमें से सिर्फ तीन लाइन का यूज करना है, एक लाइन नहीं, मतलब जो लास्ट वाली लाइन है उसको यूज में नहीं कर लेंगे। तो जो पहली लाइन है वहां पे इस तरह से एक स्लीपिंग लाइन कर दो, कर दी। देन आफ्टर दो लाइन तक स्टैंडिंग लाइन कर देनी है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, टी फॉर टाइगर या तो टी फॉर टेबल, ऐसा हो गया। देखो ये ब्लू लाइन के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और ब्लू लाइन के नीचे तक भी नहीं आएगी। देखो अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अगर ये ब्लू लाइन के बाहर निकल गया तो ये जो टी है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके पास इरेजर तो है ही, उसे रब कर देना है तो वो जो टी है वो सही हो जाएगा। तो ये वाला कैपिटल लेटर टी है वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आप लोगों को लिख के कंप्लीट करना है, मतलब ये तीन लाइन दी गई है 1 2 एंड 3, तो ये तीनों लाइन में लिखना है। देन आफ्टर नीचे देखेंगे, नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सारे स्मॉल लेटर के टी दिए गए हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने अल्फाबेट मटेरियल में बहुत टाइम कर लिया है और यहाँ पर भी अभी आ रही है, तो आई होप कि आपको ये जो स्मॉल एंड कैपिटल लेटर के जो अल्फाबेट्स हैं वो अच्छी तरह से आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्मॉल टी है, स्मॉल टी कैसे करोगे, देखो यहाँ पे यहाँ से पहली लाइन से लेके तीसरी लाइन तक स्टैंडिंग लाइन कर दो, कर लो, फिर ब्लू लाइन में छोटा सा टर्न कर देना है, टर्न जॉइंट कर देना है। अगर नहीं आता है तो आप बाद में टर्न कर सकते हो, अदरवाइज पूरा एक साथ में कर दो,
फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन है वो ब्लू लाइन में ही आनी चाहिए। देखो फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, छोटा सा टर्न एंड स्लीपिंग लाइन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा T4 टाइगर। तो ये आप लोगों को यहाँ से लेके ट्रेस वाली लाइन यहाँ तक है, तो यहाँ तक फिनिश करना है। देन आफ्टर नीचे की जो है लाइंस वहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे नीचे लाइन दी गई है। अभी देखो स्मॉल टी है वो भी पहली तीन लाइन में ही आता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे ऊपर किया फर्स्ट फुल काउंटिंग, देन आफ्टर स्टैंडिंग लाइन टर्न एंड वंस अगेन स्लीपिंग लाइन, तो ये बन जाएगा हमारा टी। कैसे करना है, पहली लाइन से लेके थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर जो ये थर्ड लाइन है वहीं से छोटा सा टर्न ले लेना है, बहुत बड़ा टर्न नहीं लेना है, सिर्फ इतना सा ही लेना है, और फिर क्या कर दोगे स्लीपिंग लाइन, तो ये बन जाएगा हमारा टी। तो टी यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट वाले तक फिनिश करना है, तो ये जो टी वाला पेज है वो पूरा का पूरा फिनिश करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर आया, देन आफ्टर सेकेंड जो लेटर आया है वो स्मॉल है, तो दोनों लेटर टी बोलते हैं, तो T4 टाइगर भी बोल सकते हैं। ओके, देन टी के बाद कौन सा नंबर है, कौन सा लेटर है, यहाँ पे मैंगो का स्पेलिंग दिया है एंड यहाँ पे स्पून का, तो अभी हम लोग करने वाले हैं एम साउंड, कौन सा एम साउंड, तो एम फॉर मैंगो। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेस करना है, या तो फिर ऐसा पेपर लेके पेपर के ऊपर एम बना के वो कट करके इधर चिपका दोगे वो भी चलेगा, अदरवाइज नहीं करना है तो क्या करना है ट्रेस कर दो चलेगा। नेक्स्ट ये स्मॉल एम है, ये भी उसी की तरह करना है, पेपर लेके उसको कट करके इधर चिपकाना है। अगर नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे, सिर्फ एम बना दोगे। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है, ट्रेस एंड राइट द लेटर एम, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर एम करने हैं, एम फॉर मैंगो या तो एम फॉर मंकी। देखो ऊपर ले लीजिए थोड़ा, बहुत नहीं थोड़ा बस, देखो पहली तीन लाइन में ही आएगा कैपिटल लेटर सारे। अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं बार बार के जो कैपिटल लेटर है वो पहली तीन लाइन में आएंगे। ओके, अब आप लोगों को मालूम हो चुका है, फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग स्लेंटिंग जॉइंट रखनी है सारे की सारी लाइन एक दूसरे से, फिर नीचे से ऊपर तक स्लेंटिंग लाइन ऑपोजिट डिरेक्शन में आएगी, देखो है ऑपोजिट डिरेक्शन में, एंड वंस अगेन स्टैंडिंग, तो ये क्या बन जाएगा एम। अभी देखो मैंने एक भी लाइन बिना जॉइंट के नहीं लिखी है, नीचे भी दोनों जॉइंट है ऊपर भी दोनों साइड से जॉइंट है, तो आप लोगों को भी जब एम करो तब ध्यान रखना है कि सारे की सारी लाइन एक दूसरे के साथ जॉइंट होनी चाहिए, अगर अलग अलग कर दोगे तो जो एम है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा, और अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो जो तुम्हारी बुक है वो बहुत गंदी दिखेगी, और गंदी दिखेगी तो मैं स्टार नहीं दूंगी। ओके, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अपने जो राइटिंग कर रहे हो आप लोग वो बहुत ही अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ओके, तो ये बन गया हमारा एम, तो ये क्या होता है एम फॉर मैंगो या तो मंकी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को डॉट वाला सारे ट्रेस कर देना है, देन आफ्टर नीचे जो लाइन दिया है वहाँ पर भी लिखना है ऐसे स्टैंडिंग स्लेंटिंग वंस अगेन स्लेंटिंग एंड वन मोर स्टैंडिंग, तो ये क्या बन गया एम फॉर मैंगो, स्टैंडिंग लाइन स्लेंटिंग लाइन वंस अगेन स्लेंटिंग लाइन एंड वन मोर स्टैंडिंग लाइन एम फॉर मैंगो। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जितनी फोर लाइन्स है वो सारी की सारी लाइन्स फिल कर देनी है, देन आफ्टर नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल लेटर के बाद आता है स्मॉल लेटर, तो स्मॉल लेटर एम कैसे करेंगे हम लोग, ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे दो टर्न आ रहे हैं ना इसलिए, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो वो इजीली आ जाएगा। देखो कैसे करनी है, पहले छोटू सा टर्न ले लेना जो टी में लिया था ना उससे भी छोटा वाला, छोटा लेके फिर सीधी एक स्टैंडिंग लाइन बना दो, टी में तो हम लोगों ने इतना लिया था इसमें तो सिर्फ इतना सा है। ओके, तो वो ध्यान रखना है।
फिर वापस से छोटा सा टर्न लेना, यहाँ पे थोड़ा बड़ा आएगा टी जितना, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर वापस से टर्न एंड वन मोर स्टैंडिंग लाइन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एन। अदरवाइज आप लोगों को ऐसे नहीं आता है तो कैसे करोगे, देखो पहले 1 2 3 थ्री स्टैंडिंग लाइन बना दो, फिर क्या करोगे यहाँ आगे से छोटा सा टर्न लेके जो स्टैंडिंग लाइन किया है उसके साथ जॉइन कर दो, फिर यहाँ से वापस से टर्न लेके सेकंड स्टैंडिंग लाइन के साथ जॉइन कर दो एंड वन मोर जॉइंटिंग, तो ये क्या बन गया एन। ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ये लाइन अभी मैं नहीं देख रही हूँ, सिर्फ ब्लैंक देख रही हूँ, तो मैंने तीन लाइन कर दी, तीन लाइन बना दी, फिर क्या करूँगी आगे से टर्न लेके जो स्टैंडिंग लाइन किया है वहाँ से जॉइन कर दूंगी, फिर यहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके ये वाली लाइन तक वापस से टर्न करके जॉइन कर दूंगी, ऐसा हो गया। तो अभी लास्ट वाली लाइन तो बची है, तो वहाँ से भी टर्न लेके ऐसे कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एम, एम फॉर मैंगो। तो आपको ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे आता है तो आप कर सकते हो। तो ये एम आप लोगों को सिर्फ बीच वाली दो ब्लू लाइन है वहीं तक कंप्लीट करनी है, ओके, सिर्फ बीच वाली जो दो ब्लू लाइन है उसी में लिखना है, तो ये यहाँ से लेके एंड तक आप लोगों को लिख के कंप्लीट करना है। पहले हम लोगों ने किया कैपिटल एम, बाद में आया स्मॉल एम, अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या है, मैच इच थिंग्स टू द बिगनिंग साउंड ऑफ दिस नेम, मतलब ऊपर ले लीजिए, जूम आउट कर दीजिए, यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर्स दिए गए हैं एंड यहाँ पे अल्फाबेट दिए गए हैं, तो हमें देखना है कि कौन से अल्फाबेट से जो लेटर है वो स्टार्ट होता है, तो अभी हम पहले देखेंगे, पहले यहाँ पे लिखा है मैन, एम ए एन मैन, मैन यानी इंसान, ओके, तो मैन यानी जो अंकल होते हैं, पापा होते हैं, जो बॉयज लोग होते हैं ना उसको मैन बोलते हैं, तो एम फॉर मैन होता है, तो आपको एम ढूंढना है, एम कहाँ है ये वाली लाइन में ढूंढेंगे, ओके, तो ये है एम, नहीं ये तो सी लेटर है, सेकंड देखेंगे तो ये जो है वो एम है, ये कैपिटल एम एंड वन सेकेंड ये स्मॉल एम, तो मैं यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी एस से, ओके, फिर क्या आएगा, ये क्या है टेबल, ये जो पिक्चर है वो टेबल का है, टेबल का स्पेलिंग क्या होता है, टी ए बी एल ई टेबल, टी ए बी एल ई टेबल, तो ये टी फॉर टेबल होता है, तो हमें टी ढूंढना है, देखो यहाँ पे टी है तो टी ढूंढेंगे, ये तो है वो सी है, ये एम हमने कर दिया, ये ए है, और ये जो लेटर है, ये जो अल्फाबेट है वो टी है, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ओके, फिर क्या आया, कप लिखा है, क्या लिखा है, ये कप, तो यह सी से स्टार्ट होता है, तो सी यू पी कप, तो हमें ढूंढना है सी लेटर कहाँ है, तो हम देखेंगे नीचे से, ये सी है नहीं नहीं नहीं, ये सबसे जो ऊपर है वो सी लेटर है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, फिर ये जो है वो एप्पल है, एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, ए डबल पी एल ई एप्पल, तो ये एप्पल है जो ए से स्टार्ट होता है, तो ए अल्फाबेट सबको मालूम है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैच कर देंगे। अभी पहले से हम लोग देखेंगे, तो देखो ये था मैन, एम फॉर मैन, तो उसको एम के साथ मैच कर दिया, फिर टी फॉर टेबल, तो टी के साथ मैच कर दिया, फिर सी फॉर कप, तो सी के साथ मैच कर दिया, फिर अल्फाबेट ए, ए फॉर एप्पल, तो वो हमने ए के साथ मैच कर दिया, ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में क्या है, तीन तीन लेटर के जो है वो स्पेलिंग्स आए हैं, तो वो आपको क्या करना है,
अभी आपको स्पेलिंग्स इतने सारे नहीं आएंगे मुझे मालूम है, लेकिन जितने भी आते हैं आपको ट्राई करनी है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना बच्चों, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो जो क्या करना है, यहाँ पे तो सारे के सारे जो पेजेस है इसमें, ये वाला पेज, उसमें कि तो सारे के सारे जो लेटर्स है वो ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग है, ट्रेस करते जाना है, बोलते जाना है, लिखते जाना है। तो जो ट्रेस कर दोगे तो ट्रेसिंग तो सबको आती ही है। ओके, तो एक एक स्पेलिंग रीड करेंगे हम लोग। ये क्या है, सी ए टी, केट, क्या बोलते हैं इसको, केट। केट यानी गुजराती में शू कहवाई केट ने, बिलाड़ी। तो ये क्या है, केट, सी ए टी केट। वापस से बोलेंगे, सी ए टी केट। तो ये जो सारे के सारे स्पेलिंग्स दिख रहे हो यहाँ तक, ये पहली दूसरी तीसरी एंड चौथी, ये चार लाइन है वो सारे के सारे स्पेलिंग केट के है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये वाली साइड पे सिर्फ ये दो साइड है वहीं पे देखना है। देखो, सी ए टी के ऐसे ट्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे, यहाँ 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 पे यहाँ पे यहाँ एंड लास्ट इधर। अगर देखो यहाँ पे जगह दिख रही है आप लोगों को, वहां पर भी आप लोगों को लिखना है, सी ए टी कैट। वैसे ही चारे की चारी लाइन, चारों की चारों जो लाइन्स है वो सारी कंप्लीट करनी है। देन हम लोग देखेंगे सेकेंड स्पेलिंग। पहला है वो कैट, अभी दूसरा आएगा मैट। मैट यानी आसनियू, वो जो होती है ना पूरी चद्दर जैसे नीचे बिछाई होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैट। मैट का स्पेलिंग क्या होता है, फिर वो जो चट्टाई होती है ना आसनियू, हाँ एने सो कहवाई मैट, एम ए टी मैट, एम ए टी मैट। तो वो भी आप लोगों को केट की तरह ट्रेस करके लिखना है। एम मैंने पहले सिखा दिया है, एम ए टी, एम ए टी। फिर केट में भी मैंने बोला था कि साइड में जगह बचती है, तो यहाँ पे लिखना है एम ए टी मैट। तो ऐसे करके ये दोनों स्पेलिंग्स जो है वो यहाँ तक कंप्लीट करना है। पहला था सी ए टी केट, दूसरा हम लोगों ने किया एम ए टी मैट। तो ये दोनों स्पेलिंग्स जो है आप लोगों को बोल बोल के यहाँ तक लास्ट वाले पेज तक कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज में आएगा एस साउंड, एस साउंड, एस फॉर सन। यहाँ पे अभी स्पून लिखा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, एस जो है वो ट्रेस कर दो, अदरवाइज ट्रेस हो जाए फिर भी आपको कुछ यूनिक करना है, कुछ न्यू करना है, तो आप क्या करोगे, ऐसा एक पेज लोगे, फिर वो पेज में ठीक तरीके से एस जो है वो ट्रेस कर दो, देन आफ्टर वो कटिंग कर लो एंड यहाँ पे चिपका दो। इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, एस साउंड आया जैसे कि हमने एम में किया, टी में किया, उसी की तरह एस जो है वो ट्रेस कर देंगे ऐसे। ओके, ये जो एस है, एस फॉर सन, ये यहां से लेके यहां तक की जो लाइंस आपको दिख रही है वो सारी की सारी लाइन ट्रेस कर देनी है। देन आफ्टर नीचे जो कैपिटल है तो वो तो तीन लाइन में ही आएगी, तो यहाँ पे तीन लाइन का यूज करके एस बना दो, जो यहां से लेके यहां तक कंप्लीट करना है। देन आफ्टर कैपिटल के बाद आता है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर कैसे करोगे, सिर्फ बीच वाली लाइन ब्लू लाइन से स्टार्ट करके ब्लू लाइन में फिनिश कर देना है ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, एस फॉर सन। तो आप लोगों को यहां से लेके एंड तक कंप्लीट करना है। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। एंड कोई भी क्वेरीज है तो आप स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे कॉल या तो मैसेज करके अपनी क्वेरीज है वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय किड्स।